हेलो फ्रेंड्स, मंजुला रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नारियल की आसान बर्फी की रेसिपी लाई हूँ और देखने में ये जितनी टेम्पटिंग लग रही है उतनी ही खाने में टेस्टी भी है। तो चलिए इस फेस्टिव सीजन में एक और नई रेसिपी ट्राई करते हैं। अब हम एक कच्चा नारियल लेंगे जिसे हम साफ करेंगे। उसके बाहर के कवर को हम पीलर की सहायता से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। देखिए, हमने सारा बाहर का कवर निकाल दिया है। थोड़ा बहुत रह जाए तो कोई बात नहीं, वो देखने में अच्छा लगता है। अब हम इन सब को एक मिक्सी का जार लेंगे और इनके छोटे छोटे टुकड़े करके जार में डाल के इसको हम पीस लेंगे। थोड़ा सा हम एक दो बार चला के फिर इसमें हम आधा कटोरी दूध डालेंगे। दूध डाल के हम इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। देखिए कितना बढ़िया पीस गया है, बारीक पीसेंगे हम इसे। अब हम एक पैन देखेंगे, उसमें एक चम्मच घी डालेंगे। बस इसमें ज़्यादा घी नहीं लगता है, एक चम्मच घी से हो जाएगा। अब हम इसे पिसा हुआ नारियल जो है उसको हम इसमें डालेंगे और इसे चलाते हुए भूनेंगे। हम इसे हल्की आंच में चलाते हुए भूनेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से दूध सूख ना जाए। अब हम इसमें एक कटोरी चीनी मिलाएंगे। चीनी भून जाने के बाद हम इसे चलाते हुए पकाते रहेंगे। इसे चलाते हुए 10 मिनट हो गए हैं, अब इसका दूध पूरा अच्छी तरह सूख गया है। अब बर्फी जमाने के लिए कोई भी डब्बा लेंगे और उसमें बना हुआ जो हमने बर्फी का मसाला तैयार किया है उसको डालेंगे और अच्छी तरह से फैला लेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आधे घंटे बाद देखिए हमारी बर्फी सेट हो गई है। अब हम इसे निकालेंगे, बटर पेपर हटा देंगे और चाकू की सहायता से हम इसके पीस कट कर लेंगे। ये बहुत आसानी से कट जाती है और देखिए कितनी सुंदर बर्फी बनी है। और अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching.